को मम्मा क्या बना रही है? अरे यहाँ पर जुगाड़ू कॉफी चल रही है। एक्चुअली ये जो ये है ना, क्या बोलते हैं, कंटेनर है, ये टूट गया था कल, तो इसी वजह से इसमें से जो कॉफी है वो पूरी मेल्ट भी बोल सकते हैं, या इसमें पता नहीं है मॉइस्चर चला गया है अभी, उसमें इनकी से वजह से ही। वैसा हो गया हाँ, होगा तो उसी में से ये कॉफी निकाल निकाल के इतनी कॉफी बनी है, यही है इंडियन जुगाड़। इंडियन कांचन का इंडियन जुगाड़। इंडियन मॉम कांचन का इंडियन जुगाड़ है ये, इसकी वजह से बन गई अभी कॉफी। अभी ये बेच जाती ना इतनी कॉफी। मुझे चाहिए कॉफी। हाँ ठीक है ना, आपके लिए भी बनेगी आज। आप तो बुढ़े हो ना, वैसे भी आपको तो चाहिए रहती है हमेशा। हाँ चलो, मुझे चाहिए बन कॉफी। गई आज की कॉफी। करो इसमें क्या है, मैंने क्या इसमें ऑर्डर किया था और आपको क्या लग रहा है अरे इतने बड़े इसमें बताओ पार्सल। क्या है, हाँ इसमें सूटकेस है। मेरी दीदी ने मेरे लिए बहुत सारे कपड़े लाए। ये वही है, अमेरिकन टूरिस्टर दिख रहा है उनको। आप हे भगवान, अरे यहाँ पर दिख रहा है अमेरिकन टूरिस्टर। चलो, मतलब ट्रैवलर बैग है वो। हाँ, बोले वो किसको? ट्रॉली बैग। ट्रॉली बैग। हाँ हाँ, बोले खोल लो वो चार चक्के वाली। चार चक्के वाली बैग। खोलो खोलो। यार सेम कलर है इसका, बढ़िया। सेम कलर नहीं, हाँ वो इससे पहले अपने पास छोटे वाले में ऐसे ही कलर था ना। छोटे वाले में ऐसे ही कलर था ना अपने पास। क्या क्वालिटी है यार, अमेरिका जाने की तैयारी होगी? अमेरिका जाने की तैयारी नहीं, अमेरिकन टूरिस्टर लिए तो अमेरिका जाने की तैयारी हो गई है यार। इन्होंने क्या करना चाहिए, हाँ अमेरिका जाने का, इतने सस्ते में आपको वाउचर भी मिलने वाला है। एक ट्रिप फ्री और उसमें ना एक ही इंसान जा सकता है। माही बैठ जाएगी इसमें पूरा पैक होके, इतनी बड़ी है ये। वाओ यार, है सच में क्वालिटी इसकी। अमेरिकन टूरिस्टर की इससे पहले भी अपने पास बैग थी जो खराब हो गई है। वो भी अमेरिकन टूरिस्ट की। हाँ, वो ब्लू कलर की जो आपने देखी थी, मैंने ट्रिप पर जाने के टाइम पे आपको दिखाई थी ना, वो हमारे पास अमेरिकन टूरिस्टर वाली थी, बट वो थोड़ी सी बाहर रहने की वजह से खराब हो गई है अभी, तो इसी वजह से हमें दूसरी बैग लेनी पड़ी। तो इसमें क्या है कि इसमें सारे लोगों के, एक साथ चार लोगों के कपड़े आ जाएंगे, इसी वजह से थोड़ी सी बड़ी ली है। एक्चुअली इसका मुझे आइडिया भाई की वजह से आया, मतलब मुझे याद भी नहीं था कि मेरे पास वो जो है वो खराब हो गई है। हाँ, मुन्ना ने मुझे बोला था कि मेरे लिए बैग ढूंढ कोई अच्छी वाली, तो मुझे ये मिल गई थी मुझे, तो मैंने बोला कि यार ये अच्छी है और सस्ती भी है, तो उसको बोला कि ये ले ले, तो वो बोला कि देखता हूँ ये बड़ी है या नहीं है, तो मैंने बोला ये ऐसे इतने इतने सेंटीमीटर की है, ये है वो है, तो फिर पता नहीं उसने ली है या नहीं ली, बट मैंने उसको बोल भी दिया था उसी टाइम कॉल पे, बोला था कि मैंने तो ऑर्डर कर दी तू ले या मत ले, बट मैंने ऑर्डर कर दी। अच्छा, अभी वो वीडियो देख, अभी वो वीडियो देखेगा तो उसको पता चलेगा। अद्विक जैसे दो पे ऐसा नहीं, उसको नहीं 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 ऐसा मत सिखाना बच्चों को। हाँ, उसमें बैठने की कोशिश करेगा वो। नहीं, मुझे ऐसे इसी चीजों से डर लगता है। नहीं 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 चलो, अच्छा अच्छी है अद्विक, आपको अच्छी लगी? लाइट वेट है, खूब हल्की है, खरच लाइट वेट है, काहीच म्हणजे वजन नाही, म्हणजे आपल्या सामानाचं वजन त्या तेवढं होणारच नाही। दोन बढिया लागले, छान मस्त आहे। अरे वा, क्या प्रॉब्लेम है, अभी आपको प्रॉब्लेम भी दिख गई आती। हाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। हाँ, डॉट्स वो पता नहीं वो, अरे हाँ वो खराब नहीं होने के लिए ऐसे रखेंगे ना नीचे से घिसना जाए, इसी वजह से दिखाओ। ये स्टडी है ना, लेकिन मतलब वापस करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं लेकिन मतलब ये ऐसे, ये तो नहीं, नहीं नहीं हल्की तो नहीं, हल्की है बट मजबूत है ये, क्यों बताओ? अगर इन्होंने ये बनाया तो उस हिसाब से बनाया होगा ना। हाँ बनाया है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बस सस्ती है ना ये, बहुत मतलब ठीक है।
नहीं सच में सस्ती है, बाकी सारे बैग देखे ना मैंने उसमें सारे इसमें मतलब इतनी बड़ी बैग इतने सस्ते नहीं मिलेगी कहीं पर भी, तो मैं वही सोच रही हूँ ऐसा ना शायद 2000 हाँ 2000 ऐसे ही थी कुछ तो भी प्राइस इसकी, उससे ज्यादा नहीं होगी 2000 तक ही प्राइस थी शायद, बट ये मतलब आनी चाहिए, नहीं तो ये क्या है कि हम लोग रख लेंगे, नहीं तो अभी गारंटी मतलब इसमें है क्या बोलते हैं तो सामान भरा अंतिम वजन उड़न पा थोड़ा उड़ाई से का हाँ, है नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग रख ले और बाद में पता चले कि इसमें सामान अच्छे से नहीं है, वही मैं भी वही सोच रही हूँ कि सामान भर के एक बार चेक कर लेंगे बाद में। हाँ थोड़ा सामान भर के इसमें चेक कर लो कितना वेट मतलब उसमें देख लो कितना वेट लेने के लिए बोला है उसमें कितना है लॉक, नहीं तो ऐसा ना वो ये टूट जाए एक बार में ही यूज करके फिर फायदा में फायदा नहीं उतने पैसे मतलब सस्ते के चक्कर में वो मैं ये देखो ये दूसरा पार्सल है जो मैंने काफी दिनों से ऑर्डर कर रखा था और अब भी मिला है मुझे, इतने दिनों से वेट कर रही थी मैं इसका और देखते हैं ये कैसा आया। अरे अरे वो गिर रहा है देखना, और ये उस टाइप का ही मेटल वॉल पीस है जो मैंने बेडरूम के लिए मंगाया है अपने। वाओ यार जबरदस्त, हाँ आपके बेडरूम के लिए भी मंगाऊंगी। वाह मुझे लगा भी नहीं था इतना बड़ा आएगा ये। ये सेम ऐसा ही दिख रहा था मतलब इस पे वेबसाइट पे तो ऐसे ही दिख रहा था। वाओ अमेज़न से लिया है मैंने ये। आओ चलो ढिंचक ढिंचक ढिंचक। अरे गोल्डन है ना, गोल्डन मतलब थोड़ा सा वो है। हाँ 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 वाओ ये थ्री पीस का सेट है, दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ पे लगाने वाले हैं हम लोग, आज ही लगाएंगे ना, क्यों आज ही लगाओगे ना आप ये। वाओ बहुत ज्यादा सुंदर है यार, ठीक है ठीक है एक मिनट यहाँ पर लगा के दिखा। हाँ नहीं उधर नहीं, इतना इतना वो नहीं जाना चाहिए। हाँ 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 बस वहां पर एक गौर, हाँ वहां पर एक लगेगा और वो ये बीच में नहीं, नहीं नहीं पीस नीचे चाहिए, वो नीचे नीचे सबसे नीचे। हाँ 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 ये ऐसे लगेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगेगा वो थोड़ा सा ऊपर उसके नीचे ये अब ऐसा है ठीक है। हाँ बस तो फिक्स कर दे। हाँ अभी ये किसकी है, ये इनकी ढाल है। हाँ, ये मेरी ढाल है ये, और ये छोटी सी ये मी है तो तू तेरी है, ये खचकनी तलवार जल्दी से यो यो। और ये अद्विक की छोटी सी ढाल है। नहीं अद्विक की खाना खाने की थाली होगी। नहीं ये पता है क्या ये किस तरह से लगाया है, ये ऐसे लगाना है, देखो ये ऐसे लगाना है। हाँ ये ऐसे लगाना, ये ऐसे लगाया जाता है थोड़ा सा, देखेंगे अभी यहाँ पर जो जगह है इसके हिसाब से लगाएंगे हम लोग ये, और लगने के बाद पूरा लगने के बाद आपको दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आता है। थोड़ी खाली खाली सी लग रही थी मुझे पहले, तो इसी वजह से मैंने यहाँ के लिए मंगा लिया, और मतलब इसी वजह से आपको रूम टूर और वो होम टूर नहीं दे रही थी, थोड़ी चीज़ें मैंने मंगाई है तो वो आ जाए थोड़ी, मैं लगा दूँ अच्छे से और उसके बाद मैं आपको होम टूर और सारी चीज़ों का टूर दूंगी। हो बस हो यस परफेक्ट। दिल वाले भैया पहले आप चाय पी लो, चाय लाइए। हाँ क्योंकि काम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, चाय पी निपटा रहे, मस्ती का कुछ सोचना मत, चाय पी निपटा रहे, काम छोटा सा ही है आज आपके, बड़ा काम रहेगा तो वो खाने को इनवाइट करना। पहले चाय पी लो, आप बहुत थक गए होंगे तीन ड्रिल करके। तीन नहीं चार है। हाँ हाँ एक गलत हो गया था, एक गलत हो गया था, बता दिया बोला चाय के साथ बिस्कुट फ्री मिल जाएगा। चलो बिस्किट लेके आओ माई। वैसे पापा ने नाश्ता किया है। हाँ बढ़िया बहुत बढ़िया। नीचे जगह इसलिए छोड़ी कि वो सिर को लग सकता था इसी वजह से, जैसे कि हम लोग बैठते हैं ना बेड वेड पर तो वो सिर, हाँ सिर को लगने के चांसेस थे, तो इसलिए हम लोगों ने वो थोड़े से ऊपर लगाए। और कैसे लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए, ये वाला वॉल पीस मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी
यहाँ पर अब ये टी टाइम है और नीचे बहुत मेस है इसी वजह से दिखा नहीं रही थी, बट अभी देख लो ये इसमें ये गौरव का है, ये देखो पैंट कैसे रखता है, ये सारी चीजें गौरव की है ये। और ये कल लहंगे के रिव्यू किए थे तो ये रखना अच्छे से फोल्ड कर, ये सर ने वो घड़ी तो भी मैं क्या फोल्ड उसको मैंने किया वरना मैं कर भी नहीं रहा था। फोल्ड करने के लिए गौरव ने हेल्प की क्योंकि मुझे जल्दी से बाहर जाना था। नहीं सॉरी माही ने और गौरव ने हेल्प की, सॉरी आपका नाम लेना भूल गई माही, सॉरी। नहीं आपको डेली क्रेडिट देती हूँ ना मैं, मेरे को दे हाँ। तो ये देखो यहाँ पर पड़े हैं और फिर ये तो अनपैक भी नहीं हुई है बैग अभी तक, देखो क्या कर सकते हैं यार, काम ही इतना सारा होता है नहीं क्या करे। चलो ये तो मतलब लग गया, अभी चाय पी लेते हैं, दे दो माही। थैंक यू बेटा, वेलकम। हे गाइस, आज मैंने आपके डिमांड पे, इतने सारे डिमांड थी उसी के लिए मैंने आज ये ओटीजी का रिव्यू किया है। आप लोगों ने देखा ही होगा, इससे पहले ही आया होगा वो। आज जो बैटर बनाया था वो माही के हाथ का था, आप लोग पहचान ही गए होंगे। माही ने ओरियो केक का बैटर बनाया था और उससे ही हम लोगों ने केक बनाया है और इतना टेस्टी और स्पॉन्जी केक बना था, आपको क्या ही बताओ, बहुत ही टेस्टी बना था। तो वैसे भी माही आपको तो पता ही है कि बहुत अच्छा केक बनाती है, ओरियो केक में तो वो एक्सपर्ट ही हो गई है, बहुत अच्छा केक बनाती है वो। और हाँ, जो ओटीजी का वीडियो है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके लिए हेल्प हुई है उस वीडियो से या नहीं हुई है वो भी बताना जरूर कमेंट करके। हे गाइस, अगर आपने अभी तक ओटीजी का रिव्यू नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, आपको हेल्प होगी। और ये जो ओटीजी है मैंने हाफ प्राइस में ही लिया है, मैंने आपको जैसे कि उसमें बताया। और ये केक उसमें बनाया था और इतना स्पॉन्जी और इतना सॉफ्ट बना था, आपको क्या ही बताओ। और अभी देखो नाइफ पूरा ड्राई होके निकला है, तो बिल्कुल अच्छे से केक बना था और बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा केक बना था। तो इसी मैंने सोचा चलो आपके साथ ये क्लिप शेयर कर देती हूँ, इसी वजह से ये क्लिप ऐड कर दी। और अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है ना तो जल्दी से देख लीजिए, ये देखिए निकिता क्या लेके आई है, कचौरी और आंखे ठीक है, चटनी वगैरह, चटनी है और इसमें दही खटाई सब कुछ लेके आई है, पूरा खजाना ही लेके आई है घर से। अभी मुझे चॉप करना है ये ऑनियन, यहाँ पर बच्चों ने और माही ने वगैरह सब ने केक खा लिया। अगर केक पण बनवला होता आज आम्ही ओटीजी मध्ये, खूप छान केक बनला होता। अभी मुझे प्याज कट करना है, संपला यार, हे बघ सर्व केक खाऊन घेतला, मला माझ्यासाठी थोडासा राहिला होता। यहाँ पर मैंने चॉप करके दे दिए उसे ऑनियन, और बारीक बारीक चॉप नहीं किए इतने, थोड़ा सा वो चबाने में भी आने चाहिए। और यहाँ पर इस तरह से हमारे साइड में कचौरी बनाई जाती है, जो जिसने जिसने खाई है उनको तो पता होगा, बट बहुत जगह ऐसे नहीं बनाते हैं, हमारे महाराष्ट्र में ही इस तरह से बना के कचौरी मिलती है। जैसे कि उसको फोड़ते हैं, उसके अंदर कुछ इस तरह से खटाई, दही, उसके बाद नमकीन, बारीक वाला सेव जो होते हैं ना वो डालते हैं, उसके बाद टोमेटो और प्याज वगैरह डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें थोड़ा सा रस्सा भी डालते हैं जो चने का होता है वो, मतलब ग्रेवी चने की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइज। अगर आपने नहीं बनाई है इस तरह से तो बना के देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये चटनी डाल रही है जो हरी मिर्च की भी डालते हैं, ये लाल मिर्च की जो चटनी होती है ना, जैसे शेजवान चटनी होती है उस टाइप में चटनी डाल रही है। और ये देख भी रही हूँ ना, अभी एडिट कर रही हूँ ना वीडियो, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी कचौरी किस किस ने खाई है, भरी हुई कचौरी, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे विदर्भ वाले तो खाते ही रहते हैं, मतलब विदर्भ वालों ने तो खाई होगी, बट बाहर के जो है उन्होंने नहीं खाई होगी। ये चाट मसाला ऊपर से डाल रही है, ठीक है, तो आप इस तरह से बना के खा सकते हो कचौरी, अगर आपके घर में बनती है या आपके यहाँ पे बाहर से आप लाते हो तो इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करना, देखना एक बार, अच्छी लगेगी आपको, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो बस यहाँ पर रेडी हो गई है कचौरी, सिर्फ ऊपर से सेव नहीं डाले थे, सेव नहीं लाए थे उसने, ये थोड़ा सा मिर्ची भी लाई थी दो चार, और सेव मेरे घर पर भी नहीं थे, वो बारीक वाले नहीं होते नमकीन, वो वाले डालने होते हैं उसके ऊपर,
और बस बैठ गए हम लोग खाने के लिए। मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, और उसको मैं बोल भी रही थी कि यार मुझे ना बाहर के खाने का ही मन कर रहा है, मतलब अभी कुछ दिन हो गए खा नहीं रही हूँ ना बिल्कुल भी, बाहर का कुछ भी नहीं खा रही हूँ। तो उस टाइम सांभर वड़ा खाने का मन कर रहा था, वो भी मैंने उसको कॉल पे बताया था यार मुझे सांभर वड़ा ही खाने का मन कर रहा है। तो काफ़ी दिनों से सांभर वड़ा कर रही थी, तो वहाँ पर अभी घूमने गए थे तो वहाँ पर सांभर वड़ा खा लिया था। तो अभी उसने ही उसको कैसे लगा, मतलब उसको मैंने सांभर वड़ा बोला था, एक्चुअली मेरा सांभर वड़ा खाने का मन कर रहा है, तो बोली कि मैं लेके आऊँगी जब भी आऊँगी। तो और आज तो उसने सरप्राइज ही दे दिया मुझे, मुझे बताया ही नहीं आने वाली है, तो इसी वजह से उसको पता ही नहीं था घर पर कौन कौन है कौन कौन नहीं है, और उसको लगा कि माही खाती नहीं है, अदभी कितना नहीं खाता है, इसी वजह से इतने सारी, और वैसे भी बहुत सारी क्वांटिटी में वो लेके आई थी, बट वो सबको लग रहा था कि कम पड़ेगी, तो इसी वजह से सब लोग बोल रहे थे आधी आधी खाएंगे, बट सब लोगों ने जब खाई तब पता चला कि हाँ बहुत सारी है ये, तो सब लोग खा सकते हैं, एक एक में ही पेट भर गया था सबका, बट मैंने दो खाई, मैंने हाँ डेढ़ खाई शायद, तो हम लोगों ने सबने मिल के खा ली कचोरी, और बहुत ही टेस्टी थी, और वैसे निकिता ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बना के दी थी, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। तो चलो हमारे यहाँ पर पार्टी तो हो गई, कचोरी पार्टी। और हाँ दूसरे दिन है फ्रेंडशिप डे, तो हम लोगों ने फ्रेंडशिप डे का कुछ प्लान किया है, फ्रेंडशिप डे का ब्लॉग भी आने वाला है कल आपके लिए, आप ज़रूर देखना, बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने फ्रेंडशिप डे पे, मतलब बेस्ट वाला फ्रेंडशिप डे रहा इस टाइम का, तो ज़रूर ब्लॉग देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, हमारा एंजॉय भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत सारा डांस किया हम लोगों ने, बहुत मस्ती की, इतना कैलोरीज बर्न की हम लोगों ने, आपको क्या ही बताओ, मुझे बहुत मज़ा आया, सबको मज़ा आया वैसे, और आपको भी देख के मज़ा आने वाला है, तो कल का ब्लॉग मिस मत करना, आप लोग देखना ज़रूर। आज बनाए हैं आलू पराठे, मतलब आलू को स्टफ करके नहीं, ऐसे ही, मतलब जो आटे में गूंथ के आलू के पराठे बनाते हैं ना, वैसे ही वो आलू के पराठे बनाए, और एक्चुअली ये कढ़ाई में रखे हैं, हॉटकेस एंगेज था इसी वजह से इसमें रखे हैं। ये रात को अद्विक को खाना खाने के बाद भूख लगी है, अद्विक क्या चल रहा है ये, अरे बाप रे झूठे, अरे हमारे साथ बैठा था पर इतना खाया नहीं उसने, नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा, बट उसका चलता ही रहता है ना, जब बनाया उस टाइम भी खाया, हम जब रील्स बना रहे थे ना, हाँ उसने खाया था एक पराठा लेके, हाँ ऐसे ही चलता रहता है उसका, ऐसे ही चलता रहता है उसका, मतलब एक साथ खाना नहीं खाता वो, हाँ मैंने कचोरी खाई नहीं, हाँ कचोरी भी नहीं खाई बेचारे ने, हाँ इतना भोला है अद्विक कि कचोरी भी नहीं खाई अद्विक ने, हमने बोला नहीं तो क्या खाएंगे, बराबर है ना, नहीं खाई उसने, नहीं उसको कचोरी पसंद नहीं है ना अद्विक, बट मुझे तो पसंद है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने इतने प्यार से लाई थी, है ना माही, माही ने भी खाई, सबने खाई, अद्विक ने ही नहीं खाई सिर्फ, मैं रखने गया था और निकिता मासी ने इतने प्यार से लाई थी, निकिता मासी का दिल दुखा दिया आपने, हाँ 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 बोल रहे हो, पानी दू, अरे रक्षाबंधन नहीं है कल, कल फ्रेंडशिप डे है, हाँ क्या है इसमें, अरे 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 क्ले डाल दिया कि इसमें, अरे रुको मैं दूसरा ग्लास लाती हूँ, ये लो, मम्मा ये देखो टीवी में क्या दिखा रहे, क्या है, एरोप्लेन बना रहे वो, अच्छा ये, हाँ कुछ ना कुछ बनाते ही रहते ये, हाँ चलिए गाइज, यहाँ फ्रेंड तो चली गई है उसके घर, बहुत लेट हो गया है, ऑलरेडी 10 बज गए हैं और वो अभी अभी उसके घर गई है, तो चलिए गाइज इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और मैंने फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाए हैं तो वो आपको इंस्टा पे देखने के लिए मिलेंगे, तो इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना, और कल का फ्रेंडशिप डे है तो फ्रेंडशिप डे भी बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं हम लोग, उस ब्लॉग का भी वेट करना, तो चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूल गई मैं बताने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना, और इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक, इंस्टा का लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, ध्यान रखना अपना।